रामपुर में 21 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हिंसा में प्रदर्शनकारियों ने पथराव, आगजनी और फायरिंग की। हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 5 लोग और करीब 12 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। हिंसा में 4 मोटरसाइकिलों और पुलिस की एक जीप को आग लगा दिया गया था। अब रामपुर पुलिस ने दंगइयों की फोटो जारी कर दी है। जी आपको बता दें कि अब रामपुर की पुलिस ने दंगइयों की फोटो जारी कर दी है। रामपुर एसपी अजय पाल ने दंगइयों के पोस्टर मीडिया को दिखाते हुए कहा कि दंगइयों की पहचान जगह जगह पोस्टर लगाकर की जाएगी। उन्होंने बताया कि वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 100 से ज्यादा लोगों की पहचान हो चुकी है। दंगइयों से हिंसा में नुकसान की गई संपत्ति की रिकवरी होगी। इससे पहले रामपुर के एसडीएम फाइनेंस के न्यायालय द्वारा 2 दर्जन से अधिक लोगों को 14,86,500 रुपए वसूली के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस में पुलिस की रिपोर्ट को आधार बनाकर दंगे के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले लोगों से नुकसान की भरपाई को कहा गया है। जैसा कि माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा मोहम्मद सुजाउद्दीन बनाम उत्तर प्रदेश की सरकार की याचिका पर व्यवस्था की गई थी, दंगे में हुए नुकसान की भरपाई के लिए ऐसे लोग उत्तरदायी होंगे। रामपुर जिलाधिकारी आनंद जे कुमार सिंह ने बताया कि दिसंबर को हुई हिंसा में शामिल लोगों को पुलिस के द्वारा वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी के माध्यम से चिन्हित किया गया है। जांच में उन लोगों ने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है। उन सारे लोगों को चिन्हित करके उनका नाम पुलिस की तरफ से भेजा गया है। उन्होंने बताया कि एसडीएम फाइनेंस ने इन 28 लोगों को नोटिस भेजा है, जिन्हें पुलिस द्वारा चिन्हित किया गया है, और रिकवरी की जो रकम भेजी गई है इसकी एप्लीकेशन के लिए संबंधित विभागों को नोटिस जारी किया गया है। उनको जवाब का मौका दिया जाएगा और उसके बाद उन पर कार्यवाही की जाएगी ताकि उनसे उनकी रिकवरी कराई जा सके। डीएम ने बताया कि आगे भी पुलिस रिपोर्ट के आधार पर नोटिस भेजे जाएंगे। फिलहाल 28 लोगों को नोटिस भेजे जा चुके हैं, उन 28 लोगों को रिकवरी नोटिस जा चुके हैं। आरोपियों की पहचान वीडियो के माध्यम से अभी तक हुई है और जिन्हें चिन्हित किया गया है उनमें से सारे लोगों के लिंक राजनीतिक से जुड़े हुए हैं। जितने भी लोग हैं उन सभी का लिंक एक ही जगह जाकर मिल रहा है, जैसे संगठित तरह से हिंसा को अंजाम दिया गया हो। मामले की जांच करके पूरे परिणाम के साथ इस पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। अभी जांच चल रही है। उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 20 से 25 लाख रुपए की रिकवरी के नोटिस जारी किए जा चुके हैं। रामपुर यूपी से संवाददाता रवि सैन की रिपोर्ट। नोटिस 28 को जारी है, क्या है पूरा मामला? उसमें पुलिस के द्वारा ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के थ्रू, और जिन लोगों को वहाँ मौके से अरेस्ट किया गया या जिन लोगों के तथ्य पाए गए हैं कि उन लोगों ने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया है 21 दिसंबर को, उन सारे लोगों को चिन्हित करके उनका नाम पुलिस की तरफ से भेजा गया। एक असेसमेंट भी भेजा गया है कि कितना नुकसान हुआ है, तो इसके आधार पर जो उसके प्राधिकारी हैं एडीएम फाइनेंस, उन्होंने नोटिस इन सारे लोगों को भेजा है जिन 28 लोगों को चिन्हित करके पुलिस के द्वारा भेजा गया है, और जो रकम भेजी गई है कि इतने का नुकसान हुआ है उसकी वेरिफिकेशन के लिए संबंधित विभागों को भी नोटिस जारी की गई है। उनको जवाब का मौका दिया जाएगा और उसके बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी ताकि उनसे वो उसकी रिकवरी कराई जा सके। सर आगे और भी लोगों को नोटिस भेजे जाएंगे, टोटल इतने ही हैं? नहीं, उसमें आगे जैसे भी जैसे जैसे पुलिस की रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से हम आगे करेंगे। अभी फिलहाल 28 लोगों को चिन्हित करके भेजा गया है, उन 28 लोगों से रिकवरी के लिए के नोटिस जा चुकी है। इसमें नंबर बढ़ भी सकते हैं। 28 लोग हैं क्या जो पॉलिटिकल किसी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं? उनमें से अभी तक हमने जिनको चिन्हित किया है सिर्फ 28 लोगों की ही बात नहीं, अभी नए नाम भी आ रहे हैं जिन लोगों की वीडियो में पहचान हुई, क्योंकि वीडियो अभी भी देखे जा रहे हैं, फोटोग्राफ्स देखे जा रहे हैं, फुटेज देखे जा रहे हैं सीसीटीवी कैमरे के। उनमें से बहुत सारे लोगों का लिंकेज आया है, राजनीतिक लिंकेज आया है और एक ही तरीके का लिंकेज आया है। उस पर हम काम कर रहे हैं, उस पर जल्द ही कार्रवाई। सिर्फ एक किसी पार्टी विशेष के? देखिए जितने भी हैं सबका लिंकेज कहीं ना कहीं एक जगह जाके मिल रहा है, जैसे एक संगठित तरीके से इस काम को किया गया हो, लेकिन उस पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। अभी पूरी जो मामले की तस्दीक करके और उसमें पूरे प्रूफ के साथ प्रमाण के साथ इस पे आगे कार्रवाई की जाएगी। अभी हम पूरी इस पे एक्सप्लोर कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन चालू है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद इस पे क्या कुछ बड़े नेताओं के नाम भी इसमें सामने आ सकते हैं? हो सकता है इसमें जो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगा उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसने साजिश रची, मैं ये नहीं कहूँगा कि छोटा या बड़ा, पर जो भी होगा जिसने भी साजिश रची होगी उसके सामने हम ले आए। सर 28 लोगों ने कितने लाख की रिकवरी का नोटिस जारी किया है? उसमें अलग अलग है, आप उस नोटिस में देख सकते हैं, उसमें कई सारे लगभग 20 से 25 लाख के आसपास का है।
और उसमें अलग अलग तरीके से उसमें चीज़ें दी गई, अमाउंट उसमें नोटिस में खोला गया। तो इसमें बांटा जाएगा क्या, जैसे 28 लोग हैं तो कुल जो नुकसान हुआ है उसको बांट? हाँ, उस नोटिस में स्पष्ट कर दिया गया, उस नोटिस में जो रकम है उसका खुलासा करते हुए सब लोगों को नोटिस दी गई। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।